मर्दमशुमारी का पहला मरहला 15 मार्च से 15 अप्रैल, दूसरा 25 अप्रैल से 25 मई तक होगा। 2 लाख फौजी तैनात होंगे, सिपाही हर दरवाजे पर जाएगा। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फौज तैयार है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब और चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की वजीर आजम पर फिर तनकीद, बोले जब देखें सड़क का इफ्तिताह कर रहे होते हैं। जावेद लतीफ की गुफ्तगू पर नवाज शरीफ मुराद सईद से माफी मांगे, जावेद लतीफ को असेंबली से बाहर निकाल फेंके। हमारे नजरियात काजी हुसैन अहमद से मिलते थे, उनसे पूछा था कि मौलाना फजल रहमान से कैसे इत्तेहाद कर लिया। इमरान खान का नौशहरा का दौरा, काजी हुसैन अहमद कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अहम अरकान भी साथ थे। तकरीब में बेनजमी, पुलिस अहलकारों ने बास मीडिया नुमाइंदों को रोक दिया। परवेज खटक ने सहाफियों को मनाया। न्यू लीग और तहरीके इंसाफ का मैच, फटीचर गेंद और रेलू कट्टे बैट के साथ राणा सनाउल्ला का जारहाना खेल। बोले आइंदा इंतखाबात में न्यू लीग खैबर पख्तूनख्वा से भी जीतेगी। इलेक्शन के बाद इमरान खान रेलू कट्टा होंगे। रेलू कट्टे की इसलाह पर नई मुलाहत पर मुकम्मल फिट आती है। PTI में फटीचर का किरदार चौधरी सरवर अदा कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन चैलेंज बन गया। शादी हॉल में तयशुदा तकरीब सड़क पर करवाना पड़ी। शफकत महमूद कहते हैं मुस्लिम लीग नून और 76 कंडों पर उतर आई। गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं पार्टी तर्जुमान नईमुल हक की भी हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। की फतह मुद्दई खुद मुल्जिम बन गए। शेखुपुरा में 92 न्यूज के प्रोग्राम अंधेर नगरी की टीम पर तशद्दुद करने वालों पर FIR कट गई। तशद्दुद के खिलाफ PFUJ का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। आज भी कई शहरों में मुजाहिरे हुए। सिंध का सियासी मैदान आमने सामने पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान। सईद घनी का भरपूर वार, बोले मेयर कराची नाहली छुपाने के बजाय अपना काम करें। कराची के सिवा और किसी शहर के मेयर या चेयरमैन को इख्तियारात का मसला नहीं, शोर मचाना मुत्तहिदा का वतीरा है। अब कोई ब्रीफ केस लंदन नहीं जाएगा। सास बहू की लड़ाई, पड़ोसन भी कूदाई। PSP रहनुमा आसिफ हसनैन ने कहा मेयर के पास इख्तियारात नहीं तो इस्तीफे से कौन रोक रहा है। कराची ला वारिस नहीं, हम वारिस है। शहर दो बड़ी जमातों की सियासत और जाती मफादात की नजर हो गया। इख्तियारात ना भी हुए तो निजी शराकत से कराची को तरक्की दी जाएगी। पाक फौज का अर्ज़े पाक के दिफा के लिए एक बड़ा कदम। दिफाई निजाम में नया एयर डिफेंस सिस्टम शामिल कर लिया। सिस्टम फिजा में कम और दरमियाने दर्जे पर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने और तबाह करने की सलाहियत का हामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तुर्बत के इलाके सिनेमा चौक में FC नाके पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट के मुंशी नसीर बलोच की हालत तश्वीशनाक। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत फोर्सेस का मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। भक्कर में थाना हैदराबाद में सर्च ऑपरेशन, 55 अफराद गिरफ्तार। लोधरा में फौज और पुलिस की कई इलाकों की नाकाबंदी, 23 अफराद से रहरासर। हिंदुओं
के खुशियों भरे त्यौहार होली की तकरीबात शुरू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम हिंदू बरादरी त्यौहार मना रही है। कराची और उमरकोट में हिंदू बरादरी ने खूब हल्ला गुल्ला किया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुबारकबाद। कौसान मरी में 5 रोज की बर्फबारी बाद मौसम साफ हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -2 हो गया। हल्की धूप की आंख मचोली, आसमान पर हल्के काले बादल मौजूद। छुट्टी का दिन और बर्फीला मौसम, सयाहों के मरी में डेरे होटल्स में जगह कम पड़ गई। वेस्ट इंडीज आसान हरीफ नहीं। डायरेक्टर अकेडमी PCB मुदस्सर नजर कहते हैं की वेस्ट इंडीज में कई मरतबा विकेटें पूरी तरह तैयार नहीं होती। कौमी टीम को अपनी पूरी सलाहियतों के साथ खेलना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगी। और थाईलैंड के शहर आचाम में सालाना कार्ड शो ने रंग बिखेर दिए। सुबह पेचापुरी के साहिल पर होने वाले मुनफरिद मेले में मुख्तलिफ अशकाल की पतंगों ने आसमान को रंगों से सजा दिया। कार्ड शो में आए लोग खूब लुत्फ अंदोज हुए।